प्रशासन द्वारा अति आवश्यक चीजों के साथ साथ सभी दुकानों को 7 से 2 बजे तक खुले रखने का निर्णय जो लिया गया है उसका शहर के व्यापारियों ने स्वागत किया। इसी श्रृंखला में आलिशान के रितेश मोदी ने भी प्रशासन द्वारा लिए गए इस निर्णय की सराहना की। नागपुर जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन की ओर से भले ही लॉकडाउन को बढ़ाया गया है लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा कई सहूलियतें भी दी गई है जिसके तहत अति आवश्यक चीजों के साथ ही बाकी चीजें भी अब 7 से 2 बजे तक शुरू रहेगी जिससे व्यापारी वर्ग को एक बड़ी राहत मिली है। प्रशासन द्वारा लिए गए इस निर्णय का शहर के व्यापारियों ने स्वागत किया है। साथ ही आलिशान से रितेश मोदी ने भी इस अवसर पर अपना मत पीसीएन समक्ष साझा किया। नमस्ते, मैं रितेश मोदी आलिशान से। अभी जो महानगर पालिका ने और शासन प्रशासन ने जो निर्णय लिया है वो व्यापार के बिल्कुल हित में लिया है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाई है, मतलब उन्होंने जो कोरोना से जो पहले लोगों को बचाना था उन्होंने पहले उनको बचाया। अब जो व्यापार से जो लोग मर रहे थे, जो व्यापार की वजह से जो पूरा मतलब अपनी इकोनॉमी देश की गिर रही थी, फिर उन्होंने उसको भी बचाया और ये बहुत सराहनीय काम है। महापौर जी दयाशंकर जी तिवारी, हमारे कलेक्टर साहब ठाकरे जी, हमारे कमिश्नर साहब राधाकृष्ण बी जी, हमारे नितिन राउत जी और बाकी हमारे सारे जो नेता हैं नागपुर के, उन्होंने नागपुर शहर को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया और बहुत सफल भी हुए। अभी जिस हिसाब से उन्होंने अभी जो नया अभी 1 जून से मतलब शुरू किया है कि सारा मार्केट सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 7 से लेकर 2 बजे तक चालू रहेगा और जिस तरह से उन्होंने हमें मौका दिया है काम करने का, व्यापार करने का, अपने सारी जो कर्जे हैं, सारे जो बैंकों के ब्याज है, जिस तरह से हम धीरे धीरे उससे हम उभर सकते हैं, उसके लिए व्यापारी को अब उनको साथ देना पड़ेगा। हमें अपने प्रीमाइसेस में जो भी ग्राहक आते हैं उन्हें मास्क देना पड़ेगा, उन्हें हैंड सैनिटाइज कराना पड़ेगा और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए अपने व्यापार को करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम पूरे लोग मिलजुल के काम नहीं करेंगे, शासन और प्रशासन ने अपना काम किया, जनता का भी काम है। हमेशा हम शासन प्रशासन पे उंगली उठाते हैं, हम उनकी कमियां गिनाते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं देखते कि हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी शहर है ये, तो हमें भी सबको लेके चलना है, हमें सब चीज़ें देखनी है। सच है कि हमें व्यापार करना है और आज व्यापार की स्थिति जो है बहुत ख़राब हो गई है, पर जिंदा रहेंगे तो व्यापार करते रहेंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप भी जिंदा रहें, दूसरों को भी जिंदा रखें और अपने परिवार का और अपने शहर का ध्यान रखें। धन्यवाद। बीसीएन से बात करते हुए आलिशान के रितेश मोदी ने कहा कि अगर हम कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन करेंगे तो हम कोरोना से बच सकेंगे। इस वक्त उन्होंने शासन द्वारा लिए गए निर्णय की तारीफ की। देखिए, मेरा हमेशा यही कहना है कि सरकार ने जो नियम दिए थे कि वो थी कि भीड़ भाड़ से हम बचें बहुत ज़्यादा, तो दुकानदार कोरोना फैला रहा है ये सरकार ने कभी नहीं कहा और ऐसा है भी नहीं। कोरोना तो सिर्फ इस वजह से होता है कि हम हमारा प्रिकॉशन नहीं करते। जैसे हम अगर बिना अगर लाइफ जैकेट के अगर हम नदी में कूद जाएं तो हम डूबेंगे, या बिना हम एक पैराशूट के अगर हम कूदते हैं तो हम मरेंगे। तो हर चीज़ का एक प्रिकॉशन होता है, हर चीज़ का एक वो है। तो सरकार ने ये कहा कि अगर हम कोई भी जगह, चाहे हम काम करें, व्यापार करें, कहीं भी आए जाएं, अगर हम भीड़ भाड़ इलाके वाले में भी हैं तो हम कम से कम मास्क पहन के रहें और उस इलाके से अगर हम आते हैं तो हम अपने हाथ धोएं, हम अपने आप को सैनिटाइज करें, अपना प्रिकॉशन करें। प्रायः प्रायः देखा गया है कि सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ सब्जी भाजी जो होती है वहाँ पर होती है, क्योंकि इजेंशियल चीज़ों का मतलब यही होता है कि हर एक को ज़रूरत और रोज़मर्रा की चीज़ें, तो जब हर एक को ज़रूरत रहोगी तो हर आदमी वहाँ जाएगा, चाहे वो किराना हो चाहे सब्जी भाजी हो, तो वहाँ भीड़ दिखेगी। लेकिन अभी जो शासन ने जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा निर्णय है कि सारे व्यापारों को उन्होंने 1 तारीख से खोल दिया है, मौका दिया है। हमें भीड़ को कंट्रोल करना है, अगर भीड़ आती भी है तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो प्रिकॉशन देने हैं। हमें हर चीज़ एक तरह से देखा जाए तो प्रिकॉशन के हिसाब से अपने व्यापार को लेकर चलना है और शासन प्रशासन का साथ देना है। देखिए, अभी हमारी जो जनसंख्या है ये बहुत ज़्यादा है, विश्व के हिसाब से हम शायद 1st या 2nd लार्जेस्ट हम लोग वो हैं पॉपुलेशन में हैं। तो एक बात तो माननी पड़ेगी, इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो इसको थोड़ा समय लगेगा,
हमें सब करने में, हमें पैनिक नहीं होना है, हमें कम से कम रजिस्ट्रेशन तो करवाना है। हम क्या कह रहे हैं सरकार को कि आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है, आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है, पर हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनके पास भी सही आंकड़े आएंगे। तो हमारा काम है कि सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन कराएं। तो हमने लड़कों को सबको ये बोला है कि आप ऑनलाइन कोविन ऐप पे या आप अपना आरोग्य सेतु ऐप पे आप सब रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारे प्राय 250 लड़कों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, आज शाम तक बचे हुए जो बच्चे हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। और हमने अपने स्टाफ में रोज़ 20-20 लड़के बुला के रोटेशन प्रणाली में कि आज 20 लड़के आएंगे, कल 20 लड़के आएंगे, फिर एक दिन बाद आएंगे, हम ये प्रणाली पे काम कर रहे हैं। और हमने सबका रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और मैं यही कहूँगा कि सारे व्यापारी जो इस नागपुर शहर के हैं वो कम से कम सारे अपने स्टाफ का रजिस्ट्रेशन करवा लें, ना कि हम सरकार पे इल्ज़ाम लगाएं, शासन प्रशासन पे इल्ज़ाम लगाएं कि उनके पास व्यवस्था नहीं है। आप पहले अपनी तैयारी करें, 8-15 दिन में, महीने भर में सारी व्यवस्था हो जाएगी और सब कुछ अच्छा होगा। आज वैक्सीनेशन ही हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है। ये कोई कोरोना से मतलब ये नहीं है कि आपने वैक्सीन लगा ली तो आपको कोरोना नहीं होगा। ये लोगों को ये भ्रम है, आप ये समझें ये बूस्टर है आपका, आपकी ताकत बढ़ाने के लिए है, आपसे कोरोना से लड़ने के लिए है कि आप जो बीमार होके आपके जो सिम्टम्स हैं कि आप चांसेस हैं कि आप नहीं बचोगे, इसके अंदर आपके पास चांसेस बच जाते हैं कि आप उस बीमारी से लड़ सकते हो और बच सकते हो। तो हमें अगर कोरोना से अगर बचना है तो हमें वैक्सीनेशन तो सबको लगाना ही पड़ेगा। लसीकरण पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है और इसलिए लसीकरण करने में हमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा, इसलिए हमें रजिस्ट्रेशन तो अभी करना चाहिए ताकि उनके पास सही आंकड़े आ सके। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।